अब जैसे कि कुछ लोगों को आपने कहते सुना होगा, बूढ़े बुजुर्ग को आपके घर फैमिली आस पड़ोस में कुछ वीडियोस में भी देखा होगा कि अगर महिला के ब्रेस्ट पर खुजली होती है तो उसको प्रेगनेंसी में खुजली यानी कि इचिंग जब होती है ना तो बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। ये आपको पैरों में, हाथों में, ब्रेस्ट पर, आपके पेट पर, कमर पर, प्राइवेट पार्ट में ज्यादा महसूस होती है। अब आप लोग परेशान हो कि प्रेगनेंसी में कब खुजली नॉर्मल है, कब आपको डॉक्टर से मिलना है, खुजली होना किस बात का संकेत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मुझे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको किस अंग में ज्यादा खुजली महसूस हो रही है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जानने वाले हैं खुजली को जल्द से जल्द ठीक करने के कुछ उपाय, साथ ही साथ पेट और ब्रेस्ट पर खुजली किस बात का संकेत होती है ये भी डिस्कस करूंगी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं रेशू, आप सभी के साथ, आप देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम जानने वाले हैं इसके रीजन की ये जो खुजली है वो किन वजहों से होती है आपको। तो सबसे पहला रीजन होता है हार्मोनल चेंजेस। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी धीरे धीरे बढ़ती है, हार्मोन्स काफी जो बढ़ते हैं घटते हैं तो उनकी वजह से क्या होता है आपको खुजली की समस्या होने लग जाती है। साथ ही साथ आपका बढ़ता हुआ ब्लड सर्कुलेशन प्रेगनेंसी में खुजली का कारण बनता है और आपका वजन बढ़ता है, आपका पेट बढ़ता है, जिस वजह से स्किन स्ट्रेच होती है और स्किन स्ट्रेच होने से क्या होता है कि स्किन बहुत ज्यादा पतली पड़ने लग जाती है और फिर ड्राइनेस भी बढ़ जाती है जिस वजह से स्किन में खुजली होना शुरू हो जाती है, स्पेशली आपके पेट और ब्रेस्ट पर। क्योंकि प्रेगनेंसी में आपका पेट का साइज बढ़ता है और आपके ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ता है, इसलिए इन दो जगहों पर खुजली ज्यादा महसूस होती है। कुछ टिप्स हैं जिनको आप अपनाकर खुजली से बच सकते हो, साथ ही कब आपको डॉक्टर से मिलना है और किसका संकेत है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो है प्रेगनेंसी में जो भी डिटर्जेंट या फिर आप सोप यूज कर रहे हो, उस डिटर्जेंट जैसे कि अपने कपड़े धोने के लिए और सोप जो आप बॉडी के लिए यूज करते हो उसको चेंज कर दीजिए। माइल्ड सोप ही आप यूज कीजिएगा प्रेगनेंसी के टाइम पे और जो डिटर्जेंट है उसको कोई और ब्रांड का आप ले लीजिए, क्योंकि कई बार डिटर्जेंट और जो आप सोप लगाते हो बॉडी पर वो खुजली का कारण हो सकता है। सेकेंड चीज है आपको कॉटन के ढीले ढाले कपड़े ही पहनने हैं। सर्दियों का मौसम आ रहा है तो नीचे आप कॉटन के ही कपड़े पहनिएगा, ऊपर से आप वूलन कपड़े पहन सकते हो। तीसरा है स्किन को प्रेगनेंसी में ड्राई ना होने दे। अब तो ठंडियों का मौसम आ रहा है, स्किन और ज्यादा ड्राई होगी, अपना मॉइस्चर खोएगी, तो ऐसे में अपनी स्किन को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करते रहिएगा, स्पेशली पेट की स्किन को, अपने ब्रेस्ट की स्किन को, ऑल ओवर बॉडी को आपको मॉइस्चराइज रखना है, क्योंकि अगर स्किन में ड्राइनेस रही तो आपको खुजली फिर ज्यादा होगी। तो इसीलिए मॉइस्चराइजर दिन में कम से कम आपको 4 से 5 बार तक अप्लाई करना है, स्पेशली अपने पेट पर, बाकी बॉडी पर आप नहाने के बाद और सोने से पहले इस्तेमाल कर सकते हो। चौथा पॉइंट है पानी खूब पिएं, क्योंकि शरीर में पानी की कमी से भी आपकी स्किन ड्राई होती है और खुजली स्टार्ट हो जाती है। खुजली में आराम लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एलोवेरा जेल लगा सकते हो खुजली वाले एरिया पर जहां पर ज्यादा खुजली है, आप नारियल का तेल लगा सकते हो, बादाम का तेल लगा सकते हो, लेकिन इन दोनों ही चीजों में आपको थोड़ी सी ग्लिसरीन मिलानी है, कोकोनट मतलब कि नारियल के तेल में और बादाम के तेल में, इससे लंबे टाइम तक नमी बनी रहेगी आपकी स्किन में, स्किन ड्राई नहीं होगी। नेक्स्ट, जब भी आपको खुजली होती है पेट पर, कहीं भी आपको डायरेक्ट नेल से खुजली नहीं करनी है, लंबे लंबे नुकीले नेल से खुजली करोगे तो वैसे ही स्ट्रेच मार्क्स बनेंगे, काले काले एकदम लाल स्ट्रेच मार्क्स बनेंगे, गहरे गहरे, इसलिए नेल से खुजली ना करें। खुजली होती है तो एक कोई टॉवल रखें, उसको हल्का हल्का रब करके आप खुजली कर सकते हो, जिससे कि स्ट्रेच मार्क्स से बचे रहोगे। अब जैसे कि कुछ लोगों को आपने कहते सुना होगा, बूढ़े बुजुर्ग को आपके घर फैमिली आस पड़ोस में कुछ वीडियोस में भी देखा होगा कि अगर महिला के ब्रेस्ट पर खुजली होती है तो उसको लड़की होती है, उसके पेट में लड़की पल रही होती है, अगर पेट पर खुजली होती है तो उसको लड़का होता है, मतलब उसके पेट में लड़का है, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स पहली चीज तो इसका कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब पेट की स्किन स्ट्रेच होती है तो स्किन पतली होती है, उसमें ड्राइनेस बढ़ती है और खुजली स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही ब्रेस्ट में होता है। तो पेट पर तो समझो सभी को खुजली होती ही होती है,
जो बच लेता है खुजली से, उपाय कर लेता है तो उसको स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ते, लेकिन जो नहीं बच पाता, उसको समय पर पता नहीं चल पाता कि क्या सावधानियां रखनी होती है, तो उसको आप देखोगे लंबे लंबे गहरे गहरे स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं। तो इसीलिए इसके पीछे जेंडर का कोई भी कनेक्शन नहीं है खुजली के पीछे, ये सिर्फ और सिर्फ मिथ है, फालतू की बातें हैं। जिनको ऐसा हो जाता है तो वही बातें फिर फैलने लग जाती है कि मुझे तो पेट पे खुजली होती तो मुझे लड़का हुआ, कई कहते मुझे तो ब्रेस्ट पे खुजली हुई तो मुझे लड़की हो गई। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, मेरे भी बेबी गर्ल बेबी बॉय है, तो मुझे भी दोनों टाइम पे केवल पेट पर ही खुजली महसूस हुई, थोड़ी बोड़ी ब्रेस्ट पर हुई, बट ऐसा नहीं है कि इससे जेंडर का पता लगाया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। एंड अब आपको कब डॉक्टर से मिलना है, तो फ्रेंड जब आपको लगने लगे कि खुजली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपको खुजली करते करते बहुत जख्म टाइप के हो गए हैं, ब्लड आने लग गया है, निशान बन गए हैं, साथ ही प्राइवेट पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा खुजली है, तो तुरंत जाके आप डॉक्टर से मिलिएगा, ठीक है, इसमें देर ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।